शामिल कर देंगे। बिस्मिल रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज फिर एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो जो नए लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं किचन में, आज हम अपने किचन में रेसिपी बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, तो लेट्स गो। तो यहाँ मैंने पानी रखा था, उसमें मैंने डाली है स्पेगेटी, उसके बाद हम लोगों ने बॉयल करना है इसमें मैक्रोनी। तो मज़ेदार सा पास्ता हम घर में रेडी करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, आप लोग इसको लाजमी इंजॉय करेंगे। और अक्सर सिस्टर जब मैं पहले बनाती थी तो वो कहते थे कि हमारे साथ इसकी रेसिपी शेयर करें, तो जी उनकी फरमाइश पे ये रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। और इसके साथ हम सॉस भी बनाएंगे घर में, वो भी आप देखेंगे। यहाँ देखें, मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है बोनलेस, उसको मैंने पीसीज में काट लिया इस तरह, अब इसको मैरिनेट करेंगे। उसके अलावा यहाँ सफ़ेद मिर्च पड़ी है, केचप है और ये सॉस है, और उसके अलावा हम वाइट सॉस भी रेडी करेंगे, वाइट पिंक सॉस जो भी होता है वो बना लेंगे। लेकिन ये इतना मज़े का बनता है ना, आप लोग जब इसको बनाएंगे और खाएंगे ना तो लाजमी इंजॉय करेंगे इसको। तो ये बॉयल हो रहा है, उसके बाद हम स्पेगेटी मैक्रोनी भी बॉयल कर लेंगे जी। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए आधा चम्मच है कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच है पिसा हुआ सुर्ख मिर्च, हल्दी है आधा चम्मच और नमक है टेस्ट के मुताबिक, बस यही चीज़ें डालेंगे। और साथ में मैं डालूंगी दो चम्मच सिरका। अच्छा जी, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चिकन को ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं यही ले रही हूँ। असल में मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डालनी है, ज़्यादा मेरा फोकस है वेज पे, तो आप लोग चाहें तो ओनली चिकन के साथ भी बहुत मज़े का पास्ता बना सकते हैं। पैन गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम ये मैरिनेशन वाला चिकन डाल देंगे ऐसे करके। और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ एक बर्तन में मैंने लहसुन डाल दिया है, चिकन जो है वो तैयार हो रहा है, वो गल जाएगा, उसको हम फ्राई करके उतार लेंगे। अदरक लहसुन ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ मेरे पास दो चम्मच कॉर्नफ्लोर है, ये डाल देंगे वाइट सॉस के लिए, तैयार हो रहा है। और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। जी तो ये ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। ये दो गिलास दूध था जो हमने इसके अंदर शामिल किया है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ये मिसाले हैं, सफ़ेद मिर्च है, ओरिगानो है, नमक है और काली मिर्च है, ये डाल देंगे। अगर आप रेड सॉस बनाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर पेपरिका पाउडर या सुर्ख मिर्च डालनी पड़ेगी। चिकन भी फ्राई हो चुका है, इसके अंदर मैं ये पहले गाजरें डालूंगी, गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं इसलिए हम ये पहले डालेंगे, कर लेंगे फ्राई ऐसे करके। अब ये स्पेगेटी, ये मैक्रोनी पे मैंने ऑयल नहीं लगाया, तो ये ऐसे हो गई है, आपने ऑयल लगा लेना है। अब इसको मैं चम्मच से कर लेती हूँ। इधर वाइट सॉस रेडी हो चुका है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स हो चुका है, यहाँ पे देखें मेरे पास है, मैंने थोड़ा सा वाइट सॉस अलग कर लिया है। इसमें क्या करेंगे, फ्लेवर देने के लिए हम पिज़्ज़ा सॉस या शॉर्मा सॉस जो आपको मज़े का लगता है ना, आपने वो शामिल कर देना। ये केचप है, बस 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने शामिल करने हैं, और इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, और ये इसके अंदर डालेंगे। ये वाला जो मिक्स किया है ना, ये इस बर्तन में डाल देंगे ऐसे करके
देखो इस तरह सेट करेंगे। कहाँ है मेरे पास ये देखें जी वाइट सॉस, ये डालेंगे इसके ऊपर। वेजिटेबल्स ये लगाएंगे, ऑरिगेनो डालेंगे। तो अब इसको हम 5 से 10 मिनट ओवन में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि इसके ऊपर सॉस मैंने डाल दिया था, और आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। पास्ता रेडी हो चुके हैं, मैं इसको टेस्ट करती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बना है इस प्लेट में। तो ये देखें जी, तो यमी पास्ता रेडी है। उम्मीद करती हूँ ये पास्ता आपको पसंद आया होगा, इसकी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े का बना है।